बोनस शीट। ठीक है, बोनस शीट में क्या है, यहाँ हम नेम लिख देंगे हमारे एम्प्लॉइज का, नाम लिख दिया हमने ए बी सी डी ई, ये नाम लिख दिया। देन यहाँ पर हम ले देंगे सैलरी, या ले देंगे बोनस रेट, किस रेट पे आप बोनस देते हैं, और यहाँ पर अमाउंट, यह आपने सैलरी की 15,000, 14,000, 19,000, 15,000, 8,000, जो हमारा बोनस है उसकी हम कंडीशन देंगे। देखो हमें टोटल बोनस रखा है यहाँ पर 5,000 का, ये हमारा क्या है, टोटल बोनस है 5,000 का। अगर हमारी सैलरी की बात करें अब हुआ है 10,000 से, तो उसको जो बोनस मिलेगा पूरा का पूरा कितना मिलना चाहिए, 5,000। अगर बिलो है 10,000 से तो बोनस कितना होना चाहिए, 2,500, मतलब उसका हाफ। टोटल बोनस हमारा पास कितना है, 5,000 का। अगर किसी की भी सैलरी 10,000 से ज्यादा है तो उसको कितने, पूरे पूरा 5,000 का बोनस को अपन दे देंगे। अगर मान लीजिए कि सैलरी 10,000 से कम है तो उसको कितना बोनस देंगे, केवल 2,500 रुपये देंगे। यानी कहेंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अगर ये वाली सेल बड़ी हो, बराबर हो 10,000 से, तो 5,000 लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो 2,500 रुपये लिखा हुआ आ जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर 15,000 सैलरी है, 10,000 से अबव है तो कितना लिखा हुआ आ गया, 15,000, मतलब 5,000। उसको ड्रैग कर लेंगे अपन, तब देख लो खाली एक ही जने की सैलरी कितनी, 10,000 से कम है तो कितना लिखा हुआ आ गया, 2,500। और यहाँ पर हम एक सम का फंक्शन लगाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे, और ये हम उसके अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं सैलरी लिखता हूँ 9,000 रुपये, यहाँ मैं सैलरी लिखता हूँ 7,000 रुपये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तो उसके 2,500 2,500 यहाँ पर कूट हो जाएंगे।